लिखने का छोड़। तो अपना पहले फैसला सुना दो, ये निकाह तुम्हें मंजूर है या नहीं? जी आप जो बोलेगी मैं वो करूँगी, मुझे मंजूर है, प्लीज इन्हें छोड़ दे। शाबाश, हमें खुशी हुई कि तुमने अपनी खाला को बचा लिया। अब तैयार हो जाओ, कल तुम्हारी मेहंदी और सगाई है और अगले रोज तुम्हारा निकाह। अब यही तुम्हारी असलियत है और यही तुम्हारी पहचान। क्या आलिया का करेगी आसमा पर्दाफाश? सीरियल उड़ारिया के आने वाले एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि किस तरीके से अरमान और आसमा का मिलना बहुत मुश्किल हो चुका है, किस तरीके से सरहद पार की दूरी ये दोनों क्रॉस करना चाहते हैं, इस दूरी को कम करना चाहते हैं, लेकिन ये दूरी चाहकर भी कम नहीं हो रही है। इसके अलावा अगर तुमने मुंह खोलने की कोशिश की तो तुम्हारे घर वाले अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे, क्योंकि हमारे आदमी उन्हें ढूंढ रहे हैं और बहुत जल्द ढूंढ लेंगे। इस बार भागने की सोचना भी मत, क्योंकि हमारी इजाजत के बगैर अब परिंदा भी पर नहीं मार सकता। आने वाले एपिसोड में जहां पर अरमान सरहद पार पहुंचने की बात करता है अपने घर वालों के सामने कि मैं आसमा को लेकर आऊंगा, तो वहीं पर दूसरी ओर आसमा भी डिसाइड करती है यहां पर पड़ोसी मुल्क से भागने का, और दूसरी ओर बेगम जान तक ये बात पहुंच जाती है। बेगम साहिबा पर जब ये बात पहुंचती है तो वो कहती है हमारी नाक कट जाएगी, किसी भी हालत में उस लड़की को वापस लेकर आओ, वो भागनी नहीं चाहिए। आने वाले एपिसोड में देखेंगे कि मुर्तजिम को भी आसमा से प्यार हो चुका है, और जिस तरीके से मुर्तजिम आसमा से निकाह करना चाहता है तो बेगम साहिबा भी चाहती हैं कि चलो मुर्तजिम की खुशी के लिए यही सही, लेकिन आसमा को बस भागने नहीं देंगे। आसमा वापस अपने मुल्क जाना चाहती है, लेकिन क्या होगा जब आसमा अपने मुल्क जाएगी? क्या अरमान और बाकी घर वाले उसे अपना लेंगे? क्या आसमा जो है आलिया का सच उसे बता देगी? वेल, आने वाला एपिसोड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। फिलहाल तो अरमान जो है सरहद पार के लिए रवाना हो चुका है, क्या वो सरहद पार कर भी पाएगा या नहीं, ये आने वाले एपिसोड में आपको जरूर पता चलेगा। आने वाला एपिसोड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, यहाँ पर बेगम साहिबा भी अपनी नई चाल को अंजाम देने वाली है। कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय बताइए और कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब।